वैसे तो लोग प्यार के लिए शादी करते हैं, लेकिन कुछ हसीनाएं शादी करने के बाद भी प्यार के लिए तड़पती रही। ये हसीना बाद में फिर लिया तलाक। तो चलिए जानते हैं आखिर वो हसीना कौन कौन सी है। सबसे पहले करिश्मा कपूर की बात करें तो साल 2003 में करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी। शादी के कुछ सालों बाद दोनों की रिश्ता टूट गया। एक्ट्रेस सिंगल अपनी लाइफ जी रही है, प्यार के लिए तड़प रही है। दूसरे नंबर पर बात करें तो श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी ने दो शादियां की है, उनकी दोनों शादियां असफल रही। एक्ट्रेस की ज़िंदगी में अभी कोई नहीं है, वे अपने दो बच्चों के साथ रहती हैं। तीसरे नंबर पर निशा रावल। निशा रावल और करण मेहरा की शादी टूट चुकी है। एक्ट्रेस अपने बेटे काविश के साथ अकेले रह रही है। एक्ट्रेस अभी सिंगल है और प्यार के लिए तड़प रही है। रश्मि देसाई की तो टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस रश्मि देसाई अभी तक सिंगल है। एक्ट्रेस ने साल 2012 में अपने को स्टार नंदी संधू से शादी की थी। एक्ट्रेस ने नंदीश पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे और बाद में फिर अलग हो गए हैं। यह बात आता है पूजा भट्ट पर, तो पहली शादी टूटने के बाद पूजा भट्ट की लाइफ में कोई नहीं आया। एक्ट्रेस आज भी सिंगल है और अपने लाइफ में सच्चे प्यार का इंतजार कर रही है। कल की कोचली ने निर्देशक अनुराग कश्यप से शादी की थी। शादी के बाद भी एक्ट्रेस की ज़िंदगी में सच्चे प्यार की कमी रही। दलजीत कौर ने अपने पति शालिन भनोट पर मारपीट का आरोप लगाते हुए साल 2015 में तलाक लिया था। एक्ट्रेस अपने बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही है। उनकी लाइफ में अभी तक सच्चे प्यार ने दस्तक नहीं दी है। सारा खान ने अपने मर्चेंट से बिग बॉस 4 में शादी की थी। दोनों की शादी एक साल के अंदर ही टूट गई थी। एक्ट्रेस अपने लाइफ में मिस्टर राइट का अभी भी इंतजार कर रही है। जेनिफर विंगेट ने करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी। उनकी शादी महज 2 साल टिकी, इसके बाद से एक्ट्रेस सिंगल ही है। चाहत खन्ना ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए शादी तोड़ दी थी। एक्ट्रेस अपने दो बच्चों के साथ अकेले रहती हैं। उनके जीवन में सच्चे प्यार ने नहीं दी अभी तक दस्तक।